आप सब कैसे हो? ये ट्रू लव एक्सिस का 28 पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था योंजन ने कुछ प्लान किया था और तेकुक जा रहे थे जिमिन से मिलने। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। योंगी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के मैंने रख दिया, तुम खा लेना, फिर मेडिसिन भी खा लेना, ठीक है? मैं अभी जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, वेट, ये तो पता कीजिए तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में। हाँ, वो एक्चुअली मैंने वी से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था, सो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे बाई को भी मिलने जाना है, कल के इंसिडेंट के बाद मैं तो मिली नहीं, इसके लिए मुझे आने में लेट हो जाएगा। ओके, अभी तुम नाश्ता कर लेना, अभी मैं जा रही हूँ। वेट, मैं भी चलता हूँ। एक्चुअली मुझे भी कुकी से मिलना है, कल के इंसिडेंट के बाद मैं भी उससे ठीक से नहीं मिल पाया, सो मुझे भी मिलना उससे। अरे शॉर्ट, तुम इस हालत में मेरे साथ आना चाहते हो? एक्चुअली कल तुम्हारा वो सब हो गया था ना, सो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्या तुम आना चाहते हो सच में? हाँ जी, मैं आना चाहता हूँ, क्या अब हम चल सकते हैं? हाँ ओके ठीक है, हम लोग जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे। अब क्या शर्त है जिमिन तुम्हारी? पहले तुम ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद अपनी मेडिसिन खाओगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, मंजूर है? तो ही हम लोग जाएंगे, वरना सिर्फ मैं ही जाऊंगी। ओके बाबा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ठीक है? पहले हम लोग ये सब करेंगे, फिर जाएंगे। गुड बॉय, तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ओके जिमिन, प्लीज तुम मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाए यहाँ से जाना। मैंने बहुत मुश्किल से मेरा डिसीजन लिया, प्लीज जिमिन ऐसा मत करो, प्लीज। समझ गया ना क्या करना है? मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए और मुझे वो उस जगह पे चाहिए एट एनी कॉस्ट। और तुम कैसे लाओगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ फिर डोंट वरी बॉस, ट्रस्ट मी, काम हो जाएगा। काम होने के बाद मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा। ओके, अभी मैं कॉल कट करता हूँ, बाय। इंतजार नहीं हो रहा मुझे, बस ये एक बार काम हो जाए, ये मेरा फाइनल वार है, बस वेट नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं अंजुन, सबर का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही मीठा होने वाला है, लेकिन बिचारे ते तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खड़वा होने वाला है। आई एम सो फीलिंग पिटी ऑन यू। चलो युंगी चलते हैं। चलो मेरा भी हो गया, लेट्स गो। यार जंगकुक, ये जिमिन कभी आएगी? कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, ये आज आने वाली है या नहीं, या ये सो गई, ये कर क्या रही है? यार वी, डोंट वरी, आ जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके डोंट वरी, सॉरी गाइस, सॉरी वी, हमें लेट हो गया। एक्चुअली ये युंगी को ना बहुत ज्यादा ही वक्त लग गया, इसके लिए हमें आने में लेट हो गया, सॉरी गाइस। तुम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? क्या मेरी वजह से लेट हो गए? लेकिन किसने शर्त रखी थी? पहले ब्रेकफास्ट, फिर मेडिसिन, फिर ही हम लोग जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊंगी, ये किसने कहा था? हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन किसकी वजह से कहा था? तुम बोल दे कल क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी अच्छाई के लिए मैंने कहा था योंगी। सो शट अप गाइस, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया। ओके, तुम लोग बाद में घर पे जाके झगड़ा कर लेना, अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें जरूरी काम से बुलाया। और जंगकुक, तुम कुछ बोलोगे या अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे? हाँ तुम आए क्यों हो यहाँ पे, मुंह देखने के लिए? यार इस सब में मैं कहाँ से घुस गया, मैंने क्या किया, तुम मुझे क्यों डांट रही हो वी? हाँ और भाई, आप पता आप ठीक तो हो ना? आप कल ऐसे चले गए, मैं आपसे मिलने आने वाला था आज, लेकिन आप ही आ गए, अब बताओ आप कैसे हो? हाँ जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो थोड़ी सी चोट लगी थी। वैसे तुम बताओ तुम कैसे हो, इस वजह से तो मैं तुझसे मिलने आया था, मैं इतना परेशान हो गया था, तू ठीक तो है ना? हाँ ब्रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक गॉड, आप भी ठीक हो। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो मैं काम की बात करूँ, मैंने ये यहाँ पे क्यों बुलाया? हाँ वी बता, मैं इसलिए तो यहाँ पे आई हूँ, उसके बाद मुझे बाहर से भी मिलने जाना है, जल्दी बता क्या है मैटर, ना सस्पेंस क्रिएट मत कर। ओके जिमिना, मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है,
लेकिन पहले कुछ भी रिएक्ट मत कर, पूरी बात ध्यान से सुन, उसके बाद में रिएक्ट कर। ये बहुत बड़ी बात है, मैं जानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। प्लीज पहले रिएक्ट मत कर, मुझे पता है ये तेरे लिए शॉकिंग होगा, लेकिन फिर भी पहले समझ में क्या बोल रही हूँ। ओके, अब इतना भी हाइप मत दे और मुझे पता क्या है मैटर, ठीक है? कम टू द पॉइंट वी। ओके ओके, मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो दरअसल कल, फिर वी सारी बातें जिमिन को एक्सप्लेन करती है ए टू जेड, क्या हुआ था कल और नमजुन कौन है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। सो तेरा मतलब है मेरे नमजुन भाई, एक माफिया है, और उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई। देख जिमिना, मैं जानती हूँ ये बहुत टफ है समझना, लेकिन मैं भी इतना ही शॉक हुई थी जब भी मुझे पता चला। लेकिन तू जानती है हमारे भाई कैसे है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच ले, मैं सिर्फ यही कहूंगी। और तुझे तो पता है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ वी, मैं जानती हूँ तू हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। लेकिन भाई भाई, और ये मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया ये बात। देख, इस बारे में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कल ही पता चला, इसके लिए मैंने तुझे सीधा बता दिया। वैसे हम लोग भाई से पूछ सकते हैं उन्होंने क्यों छुपाया, मुझे जितना लगता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ वी, मैं जानती हूँ भाई जानबूझ के कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। एक सेकेंड, वो तो होप है ना, होप यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ ये तो होप है, चल चल के देखते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके साथ वो कौन है। नमजुन, तुम यहाँ पे क्या, तुम कल रात से ऐसे ही हो? हाँ मैं ही हूँ, तुम पहले बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुमने कितना परेशान कर दिया था, मैं कितना डर गया था कल। क्या करती हो तुम जेन, हाँ तुम ऐसे क्यों मुझे डराती हो, पहले तुम ये बताओ। हाँ रिलैक्स नमजुन, आई एम फाइन, रिलैक्स, ना परेशान मत हो, मैं सिर्फ बेहोश हो गई थी और अब तो मैं ठीक हूँ ना, और मैं अभी उठी हुई हूँ और तुम मुझे डांट रहे हो, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है नमजुन। हाँ नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा वरेड हो गया था कल की वजह से। ओके ओके वरेड मैन, इतना भी ज्यादा वरेड मत हो जाओ कि मुझे तुम्हारे लिए वरेड करना पड़े। हाँ सो आई एम फाइन, डोंट वरी। हाँ हाँ उड़ालो मजाक उड़ालो, यही बाकी था ना, मैं कितना वरेड था मुझे पता है, तुम्हें क्या पता। मैंने सोचा कि क्या हो गया तुम्हें, मगर मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हो जा। हाँ तो तुमने क्या सोचा नमजुन, बताओ बताओ, मैं सुन रही हूँ, बताओ। कुछ नहीं सोचा तुम्हें, तुम जाके फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। ओके नाउ गो फास्ट। नमजुन ना कभी कभी बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाता है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ वो चाहता क्या है। सो यू ना, नाउ आर यू फीलिंग बेटर? हाँ या तुम्हें कुछ और चाहिए? या आई होप नाउ आई एम फीलिंग बेटर, पता नहीं अचानक से क्या हुआ मुझे डिडीनेस हुआ फिर अचानक से। हाँ तुम बेहोश होने वाली थी, गॉड ग्रेस में उस तरफ से जा रहा था, मैंने तुम्हें देख लिया, सो अभी तुम ठीक हो, आई होप तुम ठीक हो, है ना? या नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। हे होप, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पे? हाँ एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तुम यूना हो ना? हे गाइस, तुम सब यहाँ पे अचानक? Yes, ma'am. You're right. मैं यूना हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मुझे जिमिना से कुछ बात करनी थी, इसके लिए हम सब यहाँ पे मिले। वैसे मुझे तुमसे भी बात करनी है, हम दोनों को तुमसे बात करनी है, तो तुम आ जाना देखिए घर पे। ओके होप। ओके गाइस, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, पहले तुम लोग चलो, मैं यूना को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर मैं तुम लोगों से वहाँ पे ही मिलता हूँ। ओके ओके होप, आ जाना जल्दी से देखिए घर पे, ठीक है? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे, ठीक है? टाइम से आ जाना। ओके यूंगी, चलो चलते हैं, है ना गाइस? ओके होप, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय गाइस, चलो जंगकुक चलते हैं, लेट्स गो गाइस। ओके वी चलो, या जिमिन चलो चलते हैं हम भी, या गाइस बाय, सेफली जाना। ओके थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। ऐसे सब लोग एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ पे जहाँ पे उन लोगों को जाना है। बॉस, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। अब्बा को क्या गलती की है तुमने?
बॉस जैसे कि आपने कहा हम लोग जंगकुक को ही लेने गए थे, लेकिन वो तीनों बहुत ज्यादा ट्रबल दे रहे थे और वहाँ पे लोग भी इकट्ठा हो रहे थे, तो हमें मजबूरी में उन तीनों को भी उठा के लाना पड़ा बॉस। ओ ये जिमिन ना हमेशा मेरे काम के बीच में आती है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है ते भी देख लेगी जो मैं करने वाला हूँ जंगकुक के साथ। अच्छा है उन सबको वहाँ पे लेके आओ जहाँ पे मैंने कहा था, अभी इन्हीं हाथों से मैं जो करूँगा। ओके बॉस। देखो युनजुन तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे निभाओ, इन सबको छोड़ दो और स्पेशली मेरे जंगकुक को छोड़ दो। तुमने उसे क्या किया है वो उसमें भी नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो? देख मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, कुछ हुआ ना जंगकुक को फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बेबी इतना ज्यादा प्यार, ओ माय गॉड, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे जो करना है वही मैं करूँगा, है ना? तुम तो मुझे जानते हो। और रही बात जेमिन और उसकी, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये जेमिन हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती है, इसलिए आज यहाँ पे फंस गई। जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा आज। यू कावर्ड, तुम्हारे पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने से आके मुझसे लड़ो, पीठ पीछे वार करते हो, तुम में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ बेबी मैं हूँ ही बेशरम। देखो युनजुन उसे जाने दो जंगकुक को, तुम्हारी दुश्मनी हमसे तो हमसे निपटो, उसे जाने दो प्लीज, मेरे कुकी को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। लो मैंने छोड़ दिया। जंगकुक इतना ही, क्या वी बचा पाएगी जंगकुक को ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। बाकी सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। बाय बाय, अन्योंग, लव यू।